गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं पावर पॉइंट होता क्या है, पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ पावर पॉइंट? समटाइम एब्रीविएटेड एज पीपी और पीपीटी, पावर पॉइंट। ओके, इसे हम लोग शॉर्ट में कभी कभी हम लोग पीपी, है ना, पीपी मतलब पावर पॉइंट, या पीपीटी, ठीक है, पीपीटी के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं, एब्रीविएट करते हैं। पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, विकसित किया है। दैट क्रिएट्स अ स्लाइड शो ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो किसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का स्लाइड शो क्रिएट करता है, चार्ट्स एंड इमेजेस फॉर अ प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ ये चार्ट और इमेजेस भी प्रेजेंट करता है उन स्लाइड शो की सहायता से। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज फॉर बिजनेस एंड स्कूल प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट जो होता है बिजनेस और स्कूल के प्रेजेंटेशंस पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज पावर पॉइंट? ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशंस को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने, उन्हें सुधारने, छांटने तथा प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। तो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में भी आप लोग को बताया कि यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। और पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को बड़े ही आसानी से और बहुत ही फास्टली उन्हें क्रिएट करने, उनकी एडिटिंग करने और उन्हें प्रेजेंट और उनकी प्रैक्टिस करने में हमें हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशन तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा देता है, और यह एक ग्राफिकल प्रोग्राम होता है जो हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत ही सहायक और हेल्पफुल है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट, जो इमेज, जो चार्ट हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो पावर पॉइंट हमें स्लाइड्स के फॉर्मेट में उन्हें प्रेजेंट करता है, और हम उनके बारे में किसी को बड़े आसानी से हम दिखा करके, जो लिखा हुआ कंटेंट है उन्हें दिखा करके या कोई इमेज दिखा करके, चार्ट दिखा करके बड़े आसानी से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। पावर पॉइंट आपको लचीलापन प्रदान करता है जिससे आप चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी अपनाकर अनौपचारिक बना लें, या पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर इसे इलेक्ट्रॉनिक बना लें। तो फ्लेक्सिबल है, बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और हम अपने पीसी में इन्हें यूज़ करें और पर्सनल वे में या तो फॉर्मल वे में हम इसे प्रेजेंटेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बना सकते हैं जिसमें मल्टीमीडिया फीचर जैसे कि मूवी और पिक्चर शामिल रहते हैं। डायनामिक बना सकते हैं मतलब हम इमेजेस डाल दें लगातार, उनमें बैकग्राउंड में हम सॉन्ग्स चला दें, तो ऐसा हम डायनामिक बना सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होंगे, जो इमेजेस होंगे वो वन बाई वन आते जाएंगे, अपीयर होते जाएंगे, तो इस तरीके से डायनामिक बनाता है हमारे पावर प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट। बेनिफिट्स ऑफ पावर पॉइंट। इट इज़ वाइडली यूज एंड कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर यह एक बहुत ही जाना माना एक सॉफ्टवेयर है जो लगभग ऑलमोस्ट हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। If you create a PowerPoint presentation, it's more likely it will be easier for others to open and view. अगर हम PowerPoint में presentation तैयार करते हैं तो ये औरों के लिए या दूसरों के लिए बड़ा ही आसान होगा इसे open करना और इसे उसे दिखा पाना या देख पाना। It includes many optional presentation features including slide transition, animation, layout, templates and more. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है, हमें कई महत्वपूर्ण फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे कि स्लाइड का ट्रांजिशन, उनमें एनिमेशन देना, है ना, बहुत ही स्टाइलिश लेआउट या टेम्पलेट प्रदान करना, थीम प्रदान करना, और भी
खूब सारे ढेरों फीचर्स हमें पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स द ऑप्शन टू एक्सपोर्ट इट्स स्लाइड टू अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग GIF, JPG, MPEG-4 वीडियो, PDF, RTF, WMV एंड XML। तो हम पावर पॉइंट में जो बने जो फाइल होते हैं उनको तो हम .ppt एक्सटेंशन सेव कर ही सकते हैं, उसके अलावा हम .gif, JPG, MPEG-4, PDF, RTF, WMV, XML फाइल फॉर्मेट में भी हम पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को या फाइल को हम सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हमने समझा पावर पॉइंट होता क्या है और उसके उपयोग और बेनिफिट्स। इसको अब अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए और समझिए। थैंक यू।